NRI seats in MBBS India, eligibility और documents, fee structures. किसे ये seats लेनी चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में. इसको लेके NRI admissions को लेके तो मैंने सोचा कि पहले कुछ आपको क्लियर कर दूं और फिर एक ब्रॉडली चीजें बता दूं. सबसे पहले NRI सीटें क्यों लॉन्च की गई है? देखिए, बहुत क्लियर होते हैं कि भारत की सरकार या कोई भी सरकार इतनी दयालु नहीं है कि NRIs का ख्याल रखते हुए उन्होंने 15% सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एलोकेट कर दी है. सिमिलरली काफी जगह तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी NRI सीट्स हैं, और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, AMU में है, ZIPMER में है. तो इस तरह के कॉलेजेस में NRI सीट्स हैं, राजस्थान के कॉलेजेस में है, हर जगह है. तो ये जो NRI सीट्स है ना, ये बेसिकली पर्पज है सरकार का डॉलर में एक्स्ट्रा ज्यादा पैसे कमाना. तो एक बात आप एक गांठ बांध लीजिए बहुत सिंपल में कि NRI सीट मतलब सुपर महंगी सीट, महंगी नहीं सुपर महंगी. ठीक है, मतलब सुपर महंगी, कहीं जगह ये डबल हो जाती है और कहीं जगह 40% ज्यादा. छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज लास्ट ईयर मैंने अभी भी एनालिसिस किया था किसी के लिए, तो 75 लाख रुपए अगर रहना खाना मिला के पड़ रहा था तो नॉर्मल सीट में, तो NRI सीट में वही खर्चा 1.5 करोड़ था, तो तकरीबन 50% ज्यादा. या हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी का एनालिसिस किया था, तो उनका 40,000 डॉलर 30 लाख रुपए साल की फीस, तो 1.35 और 1.5 करोड़ था NRI के थ्रू खर्चा और नॉर्मल था 1 करोड़. सो NRI सीट प्राइवेट कॉलेजेस में 50% महंगी होती है और सरकारी कॉलेज में तो शायद 100% महंगी होती है. तो अगर हम हरियाणा के सरकारी कॉलेज की बात करें तो वो सबको 100%. सो देखिए, पर्पस सरकार का है एक्स्ट्रा पैसे कमाना है, ऐसा नहीं है कि NRI की सुविधा है. तो जब भी कोई इंसान NRI सीट के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो आप ये सोचिए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, डॉलर में पैसे खर्च करने हैं, और कभी कभार वन टाइम देने हैं, कभी कभार ईयरली देने हैं. ये जो पैसे है ना, ये बाहर वाले अकाउंट से ही आने चाहिए, बाकी ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है. तो जो मैंने आपको दिखा रखा है, क्योंकि कई कई कंसल्टेंट आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत डराते हैं. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ए प्रोसेस, हम भी NRI सीट के लिए फीस लेते ही हैं, अलग से नहीं लेते, जो हमारा नॉर्मल पैकेज है उसी में दिला देते हैं. बच्चे के हिसाब से अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, सिर्फ 2 पेपर एक्स्ट्रा लगते हैं, और 2 पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये 2 पेपर बनवाने होते हैं आपके NRI. एक होता है कि जो NRI बाहर रहते हैं, तो जैसा हमने कहा कि जिस भी देश में वो है वहां के, वो इंडियन एम्बेसी में जाएंगे और ये एम्बेसी एक तरह से लेटर इशू करती है कि जिसको जिसके लिए भी आप NRI क्लेम कर रहे हो वो इंसान वहां पर रहता है. तो जैसे आप दुबई में हो तो दुबई में इंडियन एम्बेसी, आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी में जाके वो लेटर आराम से दे देते हैं. और दूसरा ये है NRI की तरफ से फिर से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, जो वो कह रहे हैं कि मैं स्पॉन्सर करने का तैयार हूँ उस बच्चे को, और इसमें फिर से वो सारी बातें खुद से लिख रहा है और उसे साथ पे काउंटर साइन करा दिया उसी एम्बेसी से जहां पर आपने ये बनाया था. तो ये 2 कागजों का फॉर्मेट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल करेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, राइट? तो ये 2 कागज हैं, मैं और स्लो कर लेता हूँ. ये 2 कागज आप अभी से बनवा कर सकते हो जो NRI है. अब NRI सीटें किसके लिए एलिजिबल है, तो आपको वो दिखाता हूँ जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है. ये था लास्ट ईयर हरियाणा का ब्रोशर. तो देखिए, हमेशा जो, और इसमें ना प्रायोरिटी होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है एक्चुअल NRI OSCI POC कैंडिडेट को बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा. ये ना स्टेट बदलता रहता है, और डीम यूनिवर्सिटी में ये वर्ड आता ही नहीं है, समझाऊंगा मैं, क्योंकि हरियाणा का ब्रोशर था. तो कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसको देंगे जो बच्चा खुद NRI है और फंडामेंटली हरियाणा से बिलोंग करता था, क्योंकि अब अगर NRI है तो अब तो हरियाणा में नहीं रहता ना. नंबर 2, फिर चिल्ड्रन ऑफ NRI, मतलब बच्चा है पर वो बच्चा इंडिया में रहता है, उसके पेरेंट्स NRI हैं. तीसरा, फिर से बच्चा खुद NRI हो गया और वो किसी भी और स्टेट से बिलोंग करता है अदर देन हरियाणा. अब यही 5 रूल जब आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो ये बन जाता है मध्य प्रदेश, हिमाचल में जाते हैं ये बन जाता है हिमाचल, राजस्थान में जाते हैं तो ये बन जाता है राजस्थान, ठीक. फिर चिल्ड्रन ऑफ वही NRI जो कि उस स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं. और सबसे जो कॉमन कैटेगरी वेरी फ्रेंकली वो नंबर 5 है, जिसमें कि बच्चे का, इस शब्द को ध्यान से दीजिए ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो,
इसका मतलब ये होता है बच्चे का सगा चाचा ताऊ बुआ, क्योंकि आपके पिताजी के यही तीन सगे भाई बहन होते हैं ना, बच्चे की मौसी और मामा। ध्यान से देखिएगा, रियल ब्रदर एंड सिस्टर और फादर मतलब कि चाचा ताऊ बुआ, रियल ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ मदर मतलब कि मामा मौसी, फादर और मदर तो है ही, मतलब दादा दादी नाना नानी, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल और मैटर्नल कजन भी चलते हैं। दैट मीन बच्चे का वही जो सगा चाचा है उसका बेटा, सगे ताऊ का बच्चा, बेटा या बेटी कोई भी चलेगा, सगे मामा का, सगी बुआ का, सगी मौसी का। हिंदी में समझ गए आप ये पांच रिश्ते हैं ना, कि फादर के भाई बहन को हम चाचा ताऊ या बुआ बोलते हैं, और मम्मी के सगे भाई बहनों को मौसी और मामा, और मौसी होना चाहिए मौसा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनका बच्चा है तो फिर वो इसमें आ ही जाएगा, फर्स्ट डिग्री मैटरनल कजन। तो ये छह फैक्टर होते हैं और सच पर्सन इसमें बाहर रहना चाहिए। ये होता है तो एनआरआई में आप आ जाते हो, और फिर से लिखा हुआ है कि जो भी उसके कागज हैं, मेन तो यही दो कागज थे। अब हरियाणा आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, राइट, और हरियाणा में ये जो सीटें हैं ये सरकारी कॉलेजों में भी हैं, प्राइवेट में भी है, वही मैंने बोला जो मौत स्टेट्स में होता है। तो हरियाणा के सरकारी सीट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। सोचिए पीजीएम में रोहतक भी आप चाहें तो आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आप वो $80,000 की फीस देने को तैयार हो, $1,10,000, सॉरी, जो लास्ट ईयर हरियाणा की फीस थी वो थी $1,10,000 पीजीएमएस रोहतक की, जहां पर ये सरकारी फीस है, और उतनी फीस थी जो प्राइवेट कॉलेजेस है एसजीटी के अलावा, एसजीटी की और ज्यादा है। तो ये सारा फीस स्ट्रक्चर कहीं तो वहां लिखा हुआ था, समय लग जाएगा ढूंढ के बता दूंगा। तो मतलब हैवी फीस जाती है। मुद्दे की बात है भाई, अब पंजाब का ब्रोशर देंगे तो पंजाब ने सिर्फ ये दो बोले हैं, देखिए, एनआरआई हूँ ओरिजिनली बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब, एनआरआई हूँ ओरिजिनली बिलोंग टू इंडियन स्टेट अदर देन पंजाब। तो पंजाब में जो एनआरआई की सीटें हैं, जो कि सरकारी कॉलेजों में भी हैं, देखिए 13 सीट जीएमसी पटियाला में और अमृतसर दोनों में, ये सीटें सिर्फ उनके लिए हैं जो बच्चे एक्चुअली एनआरआई चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई। तो जो याद है हमारी कैटेगरी 1 2 थी, दोनों आ गया, हमारी कैटेगरी 1 2 थी ना, इसमें हरियाणा ने क्या अलग अलग करके लिखा हुआ था कि नंबर 1 एनआरआई, नंबर 2 चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, पंजाब ने मिला दिया। तो पंजाब की दो कैटेगरी मतलब टोटल 4 कैटेगरी हो गई अगर हम हरियाणा से कंपेयर करें। क्या हो गई, जो समझिए बात को, जो हरियाणा की नंबर 1 और 2 कैटेगरी थी वो इन्होंने मिला दिया पंजाब ने। लेकिन जो हरियाणा की नंबर 5 है पंजाब उसको नहीं मान रहा है। तो पंजाब कह रहा है कि भाई आप खुद, आप बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स एनआरआई होने चाहिए, वो चाचे मामा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए पंजाब में एनआरआई इतने हैं कि वो तो 5th नंबर पे पंजाब में जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ नंबर 4 पे खत्म हो गया। तो जो नंबर 1 2 था उसको पंजाब ने इसमें मिक्स कर दिया, 3 4 था हरियाणा का उसको पंजाब ने इसमें मिक्स कर दिया, क्लियर हो गया। और यही एनआरआई के एलिजिबल है, इन्हीं में इनके एनआरआई की सीटें खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा तो जैसा मैंने कहा सरकारी कॉलेजेस में भी है, हर स्टेट में है, एनआरआई सीटों में स्टेट डोमिसाइल बहुत कम जगह लगता है, प्रायोरिटी दे देते हैं, जैसे इसमें कहा ना कि प्रायोरिटी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसको है जो पंजाब से बिलोंग करता है, तो इस तरह से ना प्रायोरिटी दे देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अक्सर जो सरकारी सीटें हैं वो तो स्टेट के डोमिसाइल को ही मिलती हैं, प्राइवेट बाहर वाले को मिल जाती है। डीम्ड में जैसे हम जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी स्टेट से बिलोंग ही नहीं करती, सो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी एनआरआई सीटें पूरी इंडिया की हर एक ओरिजिनल बच्चे के लिए इन्वॉल्व है, उसमें कभी ये वर्ड नहीं लिखा होता स्टेट ऑफ पंजाब वाला, उसमें सीधा होगा नंबर 1 प्रायोरिटी एनआरआई, नंबर 2 चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, और उसके बाद आपके कोई रिश्तेदार हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्टेट का कोई रोल नहीं होता जैसा कि हम जानते हैं ना डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो ये सब है फीस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा हैवी होते हैं, डॉलर में पैसे देने होते हैं, कुछ कॉलेजेस 1 शॉट में मांगते हैं, कुछ हैं जो स्लो स्लो मांगते हैं, क्लियरली लिखा होता है कि आपको एक बारी में ही पैसे देने हैं, कहीं लिखा होता है कि आपको धीरे धीरे देने हैं, मतलब हर साल देने, ड्यून में हर साल देने होते हैं। इस तरह जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें अक्सर मैंने देखा है 1 शॉट में देते हैं, हरियाणा में तो पक्का 1 शॉट ही था, मैं आपको पीएच निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है, तो अभी समय है आपके पास, और सबसे बड़ी बात कई लोग मुझे फोन करते हैं सर एनआरआई में है बच्चे की मौसी है मामा है,
मिल गए, एक बार कंफर्म कर लो कि क्या वो वाकई 100,000 डॉलर मतलब 80 लाख रुपए डॉलर में भेजेंगे आपके बच्चे के लिए और बदले में आप उनको कैश दे दोगे। जब ये बातें जाती हैं शक बहुत अक्सर लोग इन्हों पलट जाते हैं, पलटी मार लेते हैं कि नहीं सर उन्होंने पूछा, वो तो यहाँ वहां के बहाने मार, तो यही तो सच्चाई है। अब ये देखिए हरियाणा का आ गया MBBS कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज 1,25,000 डॉलर, राइट। तो PGMS रोहतक वगैरह में 1,25,000 डॉलर फीस थी। और जो इनके आदेश वगैरह कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, इसमें शायद 1,10,000 थी एनआरआई फीस, 1,10,000 डॉलर मतलब सरकारी की इससे ज्यादा हो गई है। PGMS रोहतक की जो फीस है गवर्नमेंट में वो उससे ज्यादा है, एनआरआई की बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो ये है, तो सस्ता मत समझिए, बस शौक रहते हैं लोगों को कि भाई मेरा बच्चा PGMS रोहतक में पढ़े तो उसके लिए आप इतनी हैवी फीस देने को तैयार है, प्रोवाइडेड आप एनआरआई में फॉल करते हैं। ओके, सो आई होप कि ये आपको पसंद आएगा वीडियो, इस तरीके से आप हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज चाहते हैं।